घोटालेबाज घोटाला करने के लिए हमेशा नए नए रास्तों को अख्तियार करते हैं। इसी क्रम में पता चला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजसेवी अन्ना हजारे और भाजपा विधायक राम कदम मुंबई के कांदिवली पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं। मुंबई के कांदिवली पोस्ट ऑफिस में तकरीबन 250 युवकों को 7000 रुपए महीने वेतन पर ठेका पद्धति पर काम कर रखा गया था। बताया जाता है कि वर्ष भर यदि उनको काम पर रखा जाता तो उन्हें नियमित सेवा में लेना पड़ता, इसलिए पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों ने अपनी जेबें गर्म करने के लिए ठेका पद्धति पर काम करने वाले युवकों के नाम पर फेर बदल किया। यही नहीं, नामों का यह फेर बदल का खेल कई महीनों से चल रहा था। मैं गए 18 दिसंबर से मैं काम पे आ रहा था, तो मेरे को मेरा एक्चुअल नाम नितिन चल के मेरा 4-5 महीने से मैं कर रहा था, फिर बाद में मेरा नाम 3 महीने से चेंज होने लगा, फिर बाद में अभी रिसेंटली मेरा सुबोध भावे एक्टर का नाम दिया गया। हम बैंड्रा वेस्ट पोस्ट ऑफिस से है, हमें भी 3 महीना ही ओरिजिनल नाम से रखा गया था, बाद में ऊपर से जो SSP का लेटर आने के बाद हमारा नाम चेंज करने के लिए कहा गया था। फिर हमने एक दिन हमें बाहर रखा गया पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस वाले पोस्टमैन ने हमें कहा कि SSP का लेटर आए, आपको नाम चेंज करके रहना पड़ेगा नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। अनिकेत सरगड़े का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर दिया गया, तो समाज सेवी अन्ना हजारे के नाम पर डिलीवरी बॉय के रूप में संजय गिजम काम कर रहे हैं। सपा नेता रामगोपाल यादव का नाम भीवा कदम, तो नितिन चाल के अभिनेता सुबोध भावे के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा NCP नेता अजीत पवार, भाजपा विधायक राम कदम भी कांदिवली पोस्ट ऑफिस में कार्यरत बताए जा रहे हैं। सूचना का अधिकार के तहत मामले का खुलासा होने पर ठेका पद्धति पर काम करने वाले कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इन बच्चों के झूठे नामों से पहले उनको काम पे रखा गया तो 3 महीना ओरिजिनल नाम रखे गए, ओरिजिनल नाम के बाद उनको 3 महीने का ब्रेक दिया जाता है, उसके बाद नए लोगों के नाम भर्ती किए जाते हैं और बोलते हैं पोस्ट ऑफिस वाले कि ये नए बच्चे हैं, पर जो जूने बच्चे हैं उनको ही झूठे नाम से वहां पे रखा जाता है। इस घोटाला मामले में विभागीय अधिकारी SK जैन का नाम सामने आ रहा है। कांदिवली पोस्ट ऑफिस में इस तरह की गड़बड़ी होने पर जहां खलबली मच गई है, तो वहीं RTI कार्यकर्ता और पीड़ितों ने संबंधित दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मुंबई लाइव।